एसडी e. e. मान लीजिए आप एसडी e. हैं लेकिन इस महीने आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड हुए या एसडी क्वालिफाइड e. हुए आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर सोच लो कोई दिक्कत की बात नहीं आपकी तीन लेग है ए बी सी ए सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड है ठीक है उसने 800 सौ का बिजनेस किया बी डायरेक्टर है उसने 1300 सो का बिजनेस किया तो इस केस में हम कैलकुलेट करते हैं कि टीम बिल्डर पॉइंट्स कितना बनेगा फिर टीम बिल्डर बोनस कितना बनेगा फिर कार फंड कितना बनेगा वो कैलकुलेट करते हैं ठीक है नमस्कार बने मित्रों मैं अंकित केशरवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं जब भी आपके कोई तीन डाउनलाइन मोदी केयर में डायरेक्टर बन जाते हैं और अपने डायरेक्टर को वो क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो आपकी रैंक होती क्या है आपकी रैंक मोदी केयर में बन जाती है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अगर आपने मोदी केयर के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक को तीन महीने तक मेंटेन कर लिया तो चौथे महीने से मोदी केयर आपको कार फंड देना स्टार्ट कर देती है मतलब आपको कार खरीदने का पैसा भी देना स्टार्ट कर देती है लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि हम कैसे पता करें हम कैसे कैलकुलेट करें कि इस महीने इतना जीबीबी का बिजनेस करने के बाद हमें कितने रुपए का कार फंड बनेगा तो मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही सरल शब्दों में कार फंड को कैलकुलेट करने का तरीका बताने जा रहा हूं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या अब आपको मोदी केयर का कार फंड कैलकुलेट करने आ गया अगर वीडियो काम की लग जाए तो अपने टीम के साथ शेयर कर देना चैनल को लाइक like कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी हुई है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें मैंने मोदी केयर में कार फंड पाने के लिए क्या क्या आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल दी हुई है अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिएगा आज इस वीडियो में मोदी केयर की कार फंड कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए पहली चीज़ है कि मोदी केयर में हम टीम बिल्डर बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी भी वीडियो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी हुई है आपके स्क्रीन में पोस्टर दिख रहा है अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि टीम बिल्डर बोनस कैसे कैलकुलेट होता है तो उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि इंडेक्स वैल्यू क्या होता है इंडेक्स वैल्यू के कारण ही कंपनी आपका कार फंड कितना देगी वो डिसाइड होता है मोदी केयर का और मोदी केयर के इंडेक्स वैल्यू मोदी केयर के टर्न के ऊपर हर महीने घटता और बढ़ता रहता है अगर अभी की मैं बात करूं अभी 2021 दिसंबर की मैं बात करूं तो मोदी केयर का जो टीम बिल्डर बोनस पॉइंट का इंडेक्स वैल्यू है वो है पॉइंट एट या पॉइंट एट वन इसी के बीच में वैरी करता रहता है और अगर कार फंड के इंडेक्स वैल्यू की बात करूं तो इतनी समय जो इंडेक्स वैल्यू चल रहा है वो पॉइंट से पॉइंट फोर फाइव के बीच चल रहा है ये मोदी केयर का कार फंड का इंडेक्स वैल्यू है अब चलिए कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कार फंड कैसे कैलकुलेट होता है तो याद रखिएगा मोदी केयर में कार फंड पाने के लिए आपको कम से कम तीन महीने मोदी केयर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक को मेंटेन करना होता है मतलब आपकी तीन लेग तीन महीने तक डायरेक्टर क्वालिफाइड अगर होती है तो चौथे महीने आप मोदी केयर से कार फंड पाना स्टार्ट कर देंगे और एक बार जब आपका कार फंड स्टार्ट हो जाता है उसके बाद अगर आपका ए रैंक क्वालिफाई नहीं होता है अगर सिर्फ सीनियर डायरेक्टर रैंक भी क्वालिफाई होता है तब भी आपको मोदी केयर कार फंड देती है तो इस चीज़ को याद रखिएगा तो अभी हम मान के चलते हैं कि महीना स्टार्ट हुआ है आपकी रैंक एसीडी है लेकिन आप अभी डायरेक्टर हो या सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड हुए हैं उस केस में कैसे कार फंड आपका बनेगा वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों अभी मान के चलते हैं कि आप मान लो अभी सीनियर डायरेक्टर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रैंक पे हो महीना स्टार्ट हुआ है तो अभी आप नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो या सिर्फ डायरेक्टर रैंक मान के चलो अपने आप को तो आपके नीचे तीन लेग है हो सकता है तीन से ज़्यादा लेग हो अभी एग्जाम्पल के लिए आपके नीचे तीन लेग है ए बी सी ए क्या हुआ कि इस महीने क्वालिफाइड डायरेक्टर बन गया 16 परसेंट की रैंक पे आ गया 15 से 16 परसेंट की रैंक पे आ गया और कंपनी ने आपकी साइड लिख को देखा बी से जो रिक्वायर्ड पीजीपी भी चाहिए था कंपनी ने वो चीज चेक किया तो अभी क्या हुआ कि आप मान लो दिसंबर के महीने में सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड हो गए जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर तीन महीने आपने सीडी रैंक को क्वालिफाई कर लिया उसके बाद अगर आप सीनियर डायरेक्टर भी क्वालिफाई होते हैं तब भी आपको कार फंड बनेगा तो कार फंड बनेगा कैसे पहले उसके लिए टीम बिल्डर बोनस कैलकुलेट करते हैं तो इस केस में टीम बिल्डर बोनस को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें टीम बिल्डर पॉइंट्स निकालने होंगे वो कैसे निकलता है आप समझ लो सरल शब्दों में जो भी आपकी डायरेक्टर लेग होती है उसका जी से पाँच परसेंट याद रखना जी या जी कुछ भी कह लो उसका पाँच परसेंट और जो भी आपकी नॉन डायरेक्टर लेग है उसका छः परसेंट तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ए है ए का पंद्रह सौ पी का उसने बिजनेस किया हुआ इस महीने तो पंद्रह सौ पी को ट्वेंटी सेवन से मल्टीप्लाई कर लो तो वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका पाँच प्लस आपका बी एंड सी से जो बिजनेस uh, हुआ है वो भी पंद्रह सौ पीवी का हुआ है तो पंद्रह सौ पीवी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी सेवन क्योंकि हम बीवी में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि पैसा बीवी में बनता है और इसका ठीक है इसका छ दोनों को कैलकुलेट कर लो तो आपका फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव टीम बिल्डर पॉइंट्स बन गए ये पॉइंट्स बने हैं अभी पैसा नहीं बना है अब कंपनी आपका टीम बिल्डर बोनस निकालेगी एक्चुअली में आपको कितना पैसा मिलना है तो जितना भी पॉइंट बन रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट एट से जैसा मैंने आपको बताया था ये टीम बिल्डर बोनस की इंडेक्स वैल्यू है टीम बिल्डर बोनस की इंडेक्स वैल्यू पॉइंट एट होती है तो आपका जो पॉइंट बना उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी फोर रुपीज का टीम बिल्डर बोनस बनेगा अभी कार फंड नहीं बना है यह बना है टीम बिल्डर बोनस अब बड़ा सरल है अगर आपने टीम बिल्डर बोनस निकालना सीख लिया आपको करना क्या है कि जितना रुपए बना हुआ है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी फोर कार फंड कैलकुलेट करने के लिए अगर कार फंड निकालना है तो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई कभी पॉइंट थ्री फाइव होता है कभी पॉइंट फोर जीरो होता है कभी पॉइंट फोर फाइव होता है चलिए मैं एवरेज मान के चलता हूं पॉइंट फोर लेता हूं कार फंड की वैल्यू तो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई बाई पॉइंट फोर इसकी जितनी भी वैल्यू आई यही आपका कार फंड हुआ समझ में आया नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा टीम बिल्डर बोनस जितना बना उसका चालीस परसेंट सरल शब्दों में जितना टीम बिल्डर बोनस बना उसका 40 परसेंट या कभी कभी 45 परसेंट वह आपका एक्चुअली में कार फंड होता है मोटा माठी सला शब्दों समझ लो टीम बिल्डर बोनस का 40 परसेंट या 45 परसेंट या 35 परसेंट हर महीने वैरी करता है वो आपका कार फंड बनेगा तो इस केस में जितना भी कार फंड बना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना कार फंड बना है ठीक है चलिए तीसरे एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कार फंड इस केस में कितना बनेगा ठीक है आप हैं एसईडी -E मान लीजिए आप एसई -E हैं लेकिन इस महीने आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड हुए या एसईडी क्वालिफाइड -E हुए आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर सोच लो कोई दिक्कत की बात नहीं आपकी तीन लेग हैं ए बी सी ए सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड है ठीक है, है उसने 800 सौ का बिजनेस किया बी डायरेक्टर है उसने तेरह पीवी का बिजनेस किया तो इस केस में हम कैलकुलेट करते हैं कि टीम बिल्डर पॉइंट्स कितना बनेगा फिर टीम बिल्डर बोनस कितना बनेगा फिर कार फंड कितना बनेगा वो कैलकुलेट करते हैं ठीक है अब ए का ए ने कितना किया 800 का 800 का 5 परसेंट मतलब 800 सौ पी वी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी ठीक है मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी और इसका 5 परसेंट ठीक है प्लस उसके नीचे भी डायरेक्टर है उसने 1300 पीवी का बिजनेस किया तो 1300 सो मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी सेवन बीबी में कन्वर्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाई फाइव परसेंट प्लस आपकी जो ए बी लेग को छोड़ के सी डी लेग है उससे आपको 1200 सो पी का बिजनेस आया है तो 1200 सो गुड़े ट्वेंटी सेवन गुड़े छ परसेंट क्योंकि ये हम आ, टीम बिल्डर बोनस निकालने का तरीका है तो इसमें टीम बिल्डर पॉइंट्स कितना बना आपका टोटल फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी नाइन रुपीज अब आपको इसको कन्वर्ट करना है टीम बिल्डर बोनस में तो इसको पॉइंट एट से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका जो टीम बिल्डर बोनस बना है वो थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री रुपीज के आसपास का बना हुआ है ये आपका टीम बिल्डर बोनस हुआ अब आपको कार फंड निकालना है यहाँ पे तो कार फंड के लिए क्या करो 3823 से गुणा कर दो 0.4 का मतलब रुपए का 40% आपका कार फंड कहलाएगा समझ में आई ये चीज मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल से समझाने जा रहा हूं कि जो बातें मैंने आपको बताई क्या बताया मोटा-माटी आपको समझाता हूं कि जितना भी टीम बिल्डर बोनस बने उसका 40% या 45% या 35% आपका कार फंड होता है क्या रियल टाइम पे होता है ऐसा नहीं होता चलिए वो चीज हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैलकुलेट करके देख लेते हैं रियल टाइम पे क्या बन रहा है वो देखते हैं वो देखते हैं ठीक है देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मेरे टीम्स के एक लोगों का आउट दिख रहा है दिख रहा है आपको ठीक है अब यहां पे हम बात करते हैं कि टीम बिल्डर पॉइंट्स कितना बना आप देख लेना टीम बिल्डर पॉइंट्स बना है नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन बना है इसको मल्टीप्लाई बाई अगर पॉइंट एट जीरो से करोगे तो आपका बोनस निकल आएगा आप कैलकुलेट करके देख लेना आपका बोनस निकल आएगा टीम बिल्डर बोनस सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी टू रुपीज निकल के आएगा टीम बिल्डर बोनस अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जितना भी टीम बिल्डर बोनस बने उसको मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट फोर जीरो से या पॉइंट फोर फाइव से या पॉइंट थ्री फाइव से तीनों में कोई भी वैल्यू होती है तो आपका कार बोनस निकल आता है तो अभी देखते हैं कि ये जिस भी महीने का पे आउट है इस पे कार फंड का इंडेक्स वैल्यू कितना था हम देख लेते हैं कि कार बोनस यहां पे दिखा रहा है पैंतीस सौ दो रुपए कार बोनस दिखा रहा है तो चलिए हम मल्टीप्लाई पाई करके देखते हैं कि हुआ कितना एक्चुअली में सत्तासी सौ बयासी रुपए ठीक है सत्तासी सौ बयासी रुपए का हम कैलकुलेटर खोलते हैं कैलकुलेटर खोलते हैं तो सत्तासी सौ बयासी मल्टीप्लाई बाई पॉइंट फोर फाइव तो अगर ये करते हैं तो लगभग लगभग पैंतीस सौ दो रुपए निकल के आया पैंतीस सौ दो रुपए निकल के आया ये देखिए कार बोनस पैंतीस सौ दो रुपए निकल के आया मत चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे मंथ का पे आउट है, मेरी टीम से। अब आप देख सकते है कि यहां पे टीम बिल्डर पॉइंट्स जो बना है वो लगभग लगभग दस हजार चार सौ बना हुआ है अब आपको करना क्या इसको पॉइंट एट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टीम बिल्डर बोनस पता चल जाएगा तो यहाँ पे टीम बिल्डर बोनस कितना बना तिरासी सो अट्ठावन रुपए अब इसका अगर हम कार फंड निकालना चाहिए यहां पे कार बोनस कितना दिखा रहा है सैंतीस सौ इकसठ रुपए चलिए हम मल्टीप्लाई बाई करके देखते हैं तिरासी सौ अट्ठावन रुपए मल्टीप्लाई बाई पॉइंट फोर फाइव मतलब इस महीने जो कार फंड की इंडेक्स वैल्यू थी वो पॉइंट फोर फाइव थी तो सैंतालीस सौ इकसठ रुपए यहां पर आपका बन के आया मतलब वही लगभग लगभग सैंतालीस सौ इकसठ मतलब यहां भी कैलकुलेशन सही है एक महीने का और पे आउट देख लेते हैं फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ये तो चलिए दोस्त तीसरे एग्जाम्पल से देखते हैं ये लास्ट एग्जाम्पल है आप लोग को समझाने के लिए इस महीने यहाँ पे टीम बिल्डर पॉइंट्स जो बना है वो लगभग लगभग सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी सेवन बना इसका जो टीम बिल्डर बोनस हुआ यहाँ पे वो हुआ 6,358 और यहाँ पे कार बोनस दिखा रहा है आपको सत्ताईस सौ तो इस केस में चलिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं इस महीने क्या थी इंडेक्स वैल्यू तिरसठ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे पॉइंट से तो लगभग लगभग सत्ताईस सौ बना जो सत्ताईस सौ के आसपास है मतलब इस महीने जो पॉइंट की वैल्यू थी कार फंड की इंडेक्स वैल्यू थी वो लगभग लगभग पॉइंट एट थी तो दोस्तों आई होप अब आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि रियल टाइम पे कार फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा तो मोटा माटी बस आपको यह याद रखना है कि टीम बिल्डर बोनस का 40 या 45 परसेंट आपका कार बोनस होता है इससे ज्यादा आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और आप आसानी से कार फंड कैलकुलेट कर सकते हैं ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मोदी के से जुड़ी जानकारी आपको सिर्फ इसी चैनल पे ही मिलने वाली है हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय